प्रिय बच्चों, प्रश्नावली 3.1 क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्रिकेट टीम के एक कोच ने ₹3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदे खरीदी। बाद में उसने एक बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंदे ₹1300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो इसका सलूशन देखो बेटा, आसान है। कोच ने क्या क्या खरीदा? बल्ला खरीदा है और क्या खरीदा? गेंद। तो बेटा हम यहाँ मान लें कि माना एक बल्ले का मूल्य ₹100, माना एक बल्ले का मूल्य क्या मान लिया? ₹100। तो कई बल्ला खरीदा है बोलो? 3 बल्ला खरीदा है, इसलिए तीन बल्ले का मूल्य क्या हो जाएगा बताओ? एक बल्ले का मूल्य ₹100, तो 3 बल्ले का मूल्य गुणा हो जाएगा ₹3x। कितना? ₹3x। इसी तरह से बेटा एक गेंद का मूल्य हम मान ले ₹2। एक गेंद का मूल्य क्या माना? बराबर ₹2 मान लिया। इसलिए कई गेंद खरीदा? 6 गेंद। 6 गेंद का मूल्य यह हो गया ₹6। बोलो एक गेंद का मूल्य जब वाई है तो 6 गेंद का मूल्य गुणा हो जाएगा 6 × y यानी 6y। कितना समझ आ गया होगा? अच्छा, अब कह रहा है 3 बल्ले और 6 गेंद कितने रुपये में खरीदा है? ₹3900 में। यानी 3 बल्ला और 6 गेंद का मूल्य कितना रुपया? ₹3900। इसलिए कहोगे 3 गेंद का मूल्य हमारा 3x प्लस 6 गेंद का मूल्य 6y बराबर 3900। ठीक बेटा, इसको हम देखो, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, यहाँ 3900, तो इसमें 3 का भाग हम चाहें तो लगा दें। तो 3 का भाग लगा दो तो क्या मिलेगा? यहाँ 3 से भाग लगाओगे तो x मिलेगा, प्लस यहाँ 2y मिला बेटा। 6 में 3 का भाग लगा दो और 3900 में जब 3 का भाग लगाएंगे तो बोलो कितना हो जाएगा? ₹1300। कितना आ गया? 1300। यह समीकरण 1 हो गया बेटा, x प्लस 2y बराबर 1300। ठीक, तो यह तो समीकरण 1 बन गया। अब हम देखो क्या बाद में कर रहा है कि बाद में उसने एक बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंद कितने रुपए में खरीदा? ₹1300 में। पुनः हो जाएगा, बोलो एक बल्ला उसका दाम हमने x माना, प्लस कई गेंद? 3 गेंद। तो बोलो 3 गेंद, एक गेंद का मूल्य y, तो 3 गेंद का मूल्य 3y बराबर कितना? बोलो ये हुआ ₹1300। अब ये 2 समीकरण बन गए। ये हमारा जो है बीजगणितीय रूप हमारा ये हो गया। अब हमको इसका ग्राफ खींचना है। क्या खींचना है? ग्राफ। तो पहले हम समीकरण 1 का ग्राफ खींचें। समीकरण 1 को लें तो लिखेंगे समीकरण 1 से। एक देखो बेटा क्या है? एक्स प्लस 2y बराबर 1300। तो यहाँ से क्या करें? x बराबर निकाल लें तो 1300 और माइनस 2y। ठीक बेटा। अच्छा, अब इसमें हम क्या करें कि x के भिन्न भिन्न मान रखें तो y के भिन्न भिन्न मान प्राप्त होंगे, और y के रखेंगे तो x के प्राप्त होंगे। तो यहाँ x लिख दिया और फिर y लिख दिया। अब y की वैल्यू रखें और y की वैल्यू रख करके हम किसका मान प्राप्त कर लें? x का मान प्राप्त कर लें। चलिए हम y की वैल्यू 600 रख रहे हैं। कितना? 600। y की वैल्यू 600। तो बोलो x बराबर 1300 माइनस 2 × 600, तो 2 × 600 1200 हो जाएगा। तो 1300 माइनस 1200 यानी कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा।
वाई की वैल्यू चलिए हम यहाँ पे जो है 500 रख दें, कितना रख दें 500। तो एक्स की वैल्यू क्या होगा, 1300 माइनस 2 × 500, तो 2 × 500 1000, तो 1300 माइनस 1000 जब करेंगे तो आएगा, बोलो 1300 में से 1000 घटाएंगे तो 300। तो इस तरह से एक्स वाई के हमारे दो मान, एक्स जब 100 हुआ तो वाई 600, एक्स 300 तो वाई 500। तो बेटा हमने यह समीकरण एक से देखा। फिर समीकरण दो को ले लें, समीकरण दो से, समीकरण दो से, दो में क्या है, दो में देखो एक्स प्लस 3y बराबर 1300, एक्स प्लस 3y बराबर 1300, या कहोगे एक्स बराबर तो 1300 और माइनस 3y। यहाँ भी हम एक सारणी बनावें, एक्स वाई, चलो वाई का मान हम ले रहे हैं 400, वाई का मान कितना ले रहे हैं 400, तो बताओ ये हो जाएगा 1300 माइनस 4, 3 × 400 1200, बोलो 3 × 400 कितना हो जाएगा 1200, तो 1300 में से 1200 निकल जाएगा तो 100 बचेगा, वाई 400 तो एक्स कितना 100। अब जरा देखो वाई को हम मान लीजिए 500 कर दें, वाई कितना कर दें 500, तो क्या हुआ एक्स बराबर होगा देखो 1300 माइनस 3 × y का मान 500, तो ये हुआ बेटा 1300 माइनस 5 × 3 = 1500, ये हो गया बेटा माइनस 200, क्या है माइनस 200। अब हम जो है ग्राफ खींच दें, यहाँ देखो ये एक्स अक्ष हो गया, वाई एक्स डैश यहाँ लिखते हैं, यहाँ वाई, ये वाई डैश, पहले वाले को देखो तो यहाँ पे हमारा जो है 100, 600, 300, 500, तो ये तो मूल बिंदु हो गया। एक्स के मान को देखो तो 100, 300, 100 माइनस 200, तो हम यहाँ पे एक खाना ले रहे हैं और यहाँ पे लिख रहे हैं 100, फिर एक खाना यहाँ 200, फिर एक खाना 300, फिर एक खाना 400, इधर आपका होगा माइनस, उतनी दूरी पर माइनस 100, माइनस 200, माइनस 300, माइनस 400, ठीक है। इसी तरह से ऊपर ऊपर देखो यहाँ पे हमारा 600 है, वाई का मान 600, 500, 400, 500, तो उतने दूरी पर यहाँ 100 एक एक सेंटीमीटर पर ले रहे हैं, ग्राफ में एक एक सेंटीमीटर को, एक सेंटीमीटर को 100 मान लो, 100 फिर ये 200, ये 300, ये 400, ये 500, और ऊपर इसको कर सकते हैं। अच्छा नीचे हो जाएगा माइनस, माइनस 100, माइनस 200, माइनस 300, माइनस 400 इत्यादि। चलिए अब पहले को देखो एक्स 100 तो वाई 600, एक्स 100, एक्स 100 मान यहाँ से 100 जाओगे तो वाई कितना जाना है 600, तो यहाँ 500 लिए हैं अभी और खाना ले लो 600 हो गया, एक्स 100 तो वाई 600 यानी 600 माने 6, आपका 6 खाना ऊपर गए यहाँ पर हो गया, यह हो गया हमारा 100 और 600। दूसरा बिंदु बेटा है 300, एक्स 300 तो वाई 500, एक्स 300 यहाँ है देखो, एक्स 300 सर यहाँ है, एक्स 300 यहाँ है, जीरो से देखो 300 यहाँ है, वाई 500, तो 500 आपका ये ऊपर हो जाएगा, 300 के सामने ये 500 ऊपर, इस 500 के सामने हो गया, तो ये हुआ हमारा
एक्स का मान 300 और वाई का मान 500। अब इन दोनों बिंदुओं को बेटा मिला दो, तो दोनों बिंदुओं को मिलाओगे तो क्या होगी, एक सीधी रेखा इस तरह से बनेगी, ऐसे सीधी इसके से मिला देंगे तो ऐसे सीधी रेखा बन जाएगी। बोलो, अगर इसको स्केल से मिलाओगे, स्केल से सीधा मिलाओगे तो बताओ सीधी रेखा बनेगी कि नहीं बनेगी, है ये सीधी रेखा बनेगी। बोलो, ये हमारी सीधी रेखा प्राप्त हो जाएगी। तो ये जो रेखा हमारी हुई, ये जो रेखा हुई कौन हुई, पहले वाली, यानी इसका नाम है एक्स प्लस 2y बराबर 1300, ये रेखा हो गई। दूसरी रेखा जो है, अब इसको देखें, एक्स 100 तो वाई 400, एक्स 100 यहाँ पे है, वाई 400 आपका इसके 400 के सामने, ये हुआ एक्स माइनस 200, माइनस 200 इधर, वाई 500, तो इसके ठीक सामने इधर होगा यह वाई 500। एक्स देखो, एक्स माइनस 200 तो वाई कितना 500, तो इस तरह से आपका ये मिला बिंदु, यह बिंदु जो मिला, यह बिंदु जो मिला है 100 400, 100 400, यह बिंदु है माइनस 200 और 500। देखो बेटा, ये जो पहला वाला भाग है, यक्ष वाले को हम पहले लिखते हैं, इसको भूज करते हैं, वाई वाले को बाद में लिखते हैं। इन दोनों को बेटा मिलाओगे, इन दोनों को मिलाओगे तो भी क्या मिलेगी, एक लाइन प्राप्त हो जाएगी, ये लाइन प्राप्त हुई। तो ये हमारे जो है, इसका दूसरे वाले का हुआ, दूसरा वाला क्या है हमारा एक्स, दूसरा वाला है एक्स प्लस 3y, यह आपका हुआ एक्स प्लस 3y बराबर कितना 1300। तो इस तरह से बेटा इसका हमने ज्यामिति निरूपण किया। ठीक, धन्यवाद।